ग्वालियर का प्राचीन स्वयंभू शिव मंदिर भगवान श्री आंचलनाथ महादेव का है, जिनकी प्रकट की कहानी तो ज्ञात है, लेकिन इनकी स्थापना की तिथि ज्ञात नहीं है। ये निर्विवाद तथ्य है कि भगवान आंचलनाथ इस आंचल के सर्वाधिक प्राचीन महादेव मंदिरों में से एक है। श्री अचलनाथ का स्वयंभू शिवलिंग लश्कर शहर के प्राचीन राजमार्ग पर वर्तमान सनातन धर्म मंदिर मार्ग पर स्थित है। अनेक किंवदंतियां जुड़ी हुई है भगवान अचलनाथ के मंदिर से। सिंधिया रियासत के समय महल के राजमार्ग के बीच भगवान अचलनाथ का शिवलिंग एक कच्चे मिट्टी के चबूतरे पर स्थित था। उस जमाने में यह क्षेत्र वीरान वन्य क्षेत्र था। ग्वालियर शहर के रूप में किले के उत्तरी भाग की बस्ती थी, जो वर्तमान में उपनगर ग्वालियर कहलाता है। मुगलों के पराजय के बाद अंग्रेजी हुकूमत के दौर में यहां शिंदे राज परिवार सत्ता में आया। इनके संस्थापक श्रीमंत महाजीराव सिंधिया के नाम यह राजमार्ग वहीं से निकला जहां भगवान अचलनाथ विराजे थे। कच्चे चबूतरे पर स्थित छोटे से शिवलिंग को महत्वपूर्ण न मानते हुए राजमार्ग में बाधक बनने के कारण इसे हटाने का निर्णय लिया, लेकिन कहा जाता है जितना खोदते गए शिवलिंग उतना ही बढ़ता गया। दर्शन हुए हैं, लाइन तो लंबी थी लेकिन दर्शन में मजे आ गए, बहुत आनंद आया, बहुत अच्छे से दर्शन हुए, बहुत अच्छे से। प्राचीन मंदिर है बहुत प्राचीन मंदिर है, लोगों की मान्यता है कि बहुत है मंदिर का बहुत अचलनाथ को लेके, और जो लोग मान्यता मतलब है जिनकी और जो लोग आते हैं उनको सब पता है कि बाबा अचलनाथ कैसे सुनते हैं। जैसे आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपकी मनोकामना स्वतः ही पूरी होती है। यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है, हमें बहुत दर्शन करके अच्छा लगा। महादेव जी का पुराना प्राचीन मंदिर है जी अचलेश्वर मंदिर, आज आप यहाँ आए किस तरीके का अच्छा लग रहा है क्या? बहुत अच्छा लगा दर्शन करके भोलेनाथ का। आप लोग बहुत ही सुंदर दर्शन हुए हैं, बहुत ही अद्भुत है, निराली बहुत अच्छी, माया बहुत अच्छी है बाबा की, और बहुत ही अद्भुत उनका वो है, बहुत ही भीड़ लगती है यहाँ पर, और अभी व्यवस्थाएं भी एकदम इस बार बहुत और भी अच्छी होती जा रही है, पिछली बार की तरह और भी व्यवस्थाएं अच्छी हैं, बाकी बहुत सुंदर है बाबा का। लगभग कितने लोग आए होंगे आज अगर आपको लगता है तो? नो काउंट, मतलब काउंट ही नहीं है उस चीज़ का कितने लोग आए होंगे। रात को 11:30 बजे से मैं दर्शन देख रहा हूँ बाबा के, लगातार दर्शन है, और अभी तक लगभग 50,000 लोगों की भीड़ अभी तक निकल चुकी होगी। सनातन संस्कृति का देश है, हिंदू परंपराओं का देश है और आस्था का देश है। भगवान भोलेनाथ शिव और शक्ति की साधना का आज पर्व है महाशिवरात्रि, और ग्वालियर के महाकाल भगवान भोलेनाथ के दरबार में 12 से 15 लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, और इस बार भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है इसलिए लोग उत्साह के साथ भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने आए हैं। तो 12-15 लाख दर्शनार्थियों की दर्शनों की व्यवस्था अग्निश्वर और न्यास द्वारा की गई है। आज हम बहुत सुबह से लंबी लाइन में लगे हुए हैं, यहाँ पे देखो काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है, सुबह से आए हैं, बहुत सुबह 4 बजे से लाइन में लगे हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं और महादेव के मंदिर के दर्शन करने के लिए आए हैं सब लोग। आज आपने महादेव जी के दर्शन किए, क्या मनोकामना है मांगी महादेव? अब वो तो नहीं बता सकते, अगर वो बताते हैं तो पूरी नहीं होती है, इसलिए नहीं बता सकते। अधिकारियों ने इसे लोहे की सांकल से बांधकर हाथी द्वारा खींचकर बाहर करने का प्रयास किया, किंतु वे सफल न हो सके। इस बीच भगवान अचलनाथ ने महाराज को स्वप्न में कहा कि उन्हें अपने स्थान पर ही रहने दिया जाए। महाराज ने तुरंत इस आदेश का पालन करते हुए शिवलिंग को यथावत रखते हुए इसके चारों ओर चबूतरा बनाने का आदेश दिया। वैसे तो यह घटना किंवदंती के रूप में प्रचलित थी, लेकिन इसको प्रमाणिकता स्वयं कैलाशवासी श्रीमंत राजमाता विजया राजे सिंधिया ने अचलनाथ मंदिर पर ही दी। अचलेश्वर महादेव का इतिहास बताते हुए कहा था, भगवान अचलनाथ का चबूतरा काफी समय तक ऐसे ही रहा, बाद में श्रद्धालुओं ने इस पर 4 खंभे बनाकर छोटे से मंदिर का रूप दे दिया। ग्वालियर से उमेश वर्मा की रिपोर्ट।